Hello students, today in this lecture we will discuss about C3 cycle. Last previous lecture में हमने discuss किया था C3 cycle और इस lecture में हम discuss करेंगे C4 cycle. तो हमने ये discuss किया था कि जो C3 cycle है या जो dark reaction है या basic mechanism है, basic pathway है glucose formation का, जो हर type के plants में होगा. तो जितने भी प्लांट्स हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का जो सिंथेसिस करेंगे वो इसी पाथवे से करेंगे. तो ये हर प्लांट के अंदर होगा, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर हमें इसका मॉडिफाइड वर्जन भी देखने को मिला और वो मॉडिफाइड वर्जन था C4 साइकिल एंड CAM साइकिल. तो अब सोचने वाली बात ये है कि जब नॉर्मल जो बेसिक प्रोसेस है वो चल ही रहा है तो इन मॉडिफाइड वर्जन क्यों आए, इनके पीछे रीजन क्या था, वो हम डिस्कस करेंगे. और इसी के साथ में डिस्कस करेंगे पूरा C4 मैकेनिज्म. तो जो है इनके मॉडिफाइड वर्जन आने का पीछे जो रीजन है वो रीजन है रूबिस्को जो मेन एंजाइम था कहां पर, C3 साइकिल में. तो जो रूबिस्को का ड्यूअल नेचर है पहले हम उसको ही डिस्कस करेंगे, यही मेन रीजन है इन मॉडिफाइड वर्जन का आना. ड्यूअल नेचर ऑफ ड्यूअल नेचर मीन्स दो फंक्शन ही परफॉर्म कर रहा है. अब दो फंक्शन कौन से परफॉर्म कर रहा है ये भी हम देखेंगे. रूबिस्को जो है ये मेन एंजाइम है, मेन एंजाइम ऑफ C3 साइकिल. ये परफॉर्म कर रहा था क्या, कार्बोक्सिलेशन हमने देखा था. ये कार्बन एक्सेप्टर है, कार्बोक्सिलेशन वाली जो रिएक्शन था उसको ये कैटेलाइज कर रहा था. रूबिस्को जो है ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है पूरे अर्थ पर. और हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, क्योंकि एंजाइम जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. तो हम ये बोल सकते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन. अगर हम रूबिस्को का फुल नेम देखें तो इसका नाम है रूबिस RUBT, राइब्यूलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज. तो जो पूरा कहानी है C4 या CAM की वो इसी पर बेस्ड है. यहां से हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे दो नेम नजर आ रही है, कार्बोक्सिलेज और एक ऑक्सीजनेज. और हमने यहाँ हेडिंग लिखी है ड्यूअल नेचर या ड्यूअल फंक्शन ऑफ रूबिस्को. होता क्या है, हमने कार्बोक्सिलेज मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजनेज मतलब क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, ऑक्सीजनेशन वाली एक्टिविटी कर रहा है, एडिशन करवा रहा है ऑक्सीजन का. और कार्बोक्सिलेशन वाली एक्टिविटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये क्या करता है, ये कार्बोक्सिलेशन भी करवाता है, ये ऑक्सीजनेशन भी करवाता है, दोनों एक्टिविटी ये परफॉर्म करता है. और यही एक रीजन है कि कुछ प्लांट के अंदर C3 साइकिल का मॉडिफाइड वर्जन देखने को मिला. अब बात ये है कि ये ऑक्सीजनेशन भी करवा रहा है, कार्बोक्सिलेशन भी करवा रहा है, दो एक्टिविटी करवा रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, कब ये कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा, कब ये ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं. ये डिपेंड करता है कि सेल के अंदर, मीजोफिल सेल्स हमने डिस्कस किए थे कि मीजोफिल सेल्स वो सेल्स हैं जहां पे क्लोरोप्लास्ट होगा, जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा प्लांट के अंदर. तो मीजोफिल सेल्स के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये करेगा कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP. लेकिन अगर उन्हीं सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, लाइट रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो कब रिलीज होता है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन. तो अगर लाइट रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा रिलीज होगा. तो इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बोक्सिलेशन को स्टॉप कर क्या परफॉर्म करेगा, ये ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBT. तो जो रूबिस्को है हाई कॉन्सेंट्रेशन है अगर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पहले कार्बन डाइऑक्साइड, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या करेगा, 3 कार्बन कंपाउंड बनाएगा PGA. मतलब क्या हो रहा है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस. लेकिन
अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसका, ऑक्सीजन का, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, ये RuBP का यहां पर तो क्या कर रहा है, कार्बोक्सीलेशन। क्या पढ़ा था हमने C3 साइकिल में कि कार्बन डाइऑक्साइड आया RuBP के साथ कंबाइन हुआ, इस स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सीलेशन, और क्या बना, 3-carbon compound PGA। यही डिस्कस किया था। अब क्या होगा जब ऑक्सीजन की हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो ये RuBP का क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेशन करके 2-carbon compound बनाएगा, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। और जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है वो स्टॉप होगा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स, और क्या स्टार्ट हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जिसको हम बोल सकते हैं, बोलते हैं बार बार इफेक्ट, क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था प्लांट्स के अंदर बार बार इफेक्ट। तो इससे क्या होगा, जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है वो तो हो गया स्टॉप, फोटो रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट होगा, और जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो कैसी होगी, इन प्लांट के अंदर लो हो जाएगी। ये बात कर रहे हैं हम C3 प्लांट्स की, जहां पे C3 साइकिल चल रहा है, ठीक है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम में इसकी दो एक्टिविटी होती है, दोनों एक्टिविटी को कब परफॉर्म करना है डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अगर हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है तो RuBP का कार्बोक्सीलेशन होगा, PGA फॉर्म होगा, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस चलता है। लेकिन अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया मेसोफिल सेल में तो 2-carbon compound बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, मतलब जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है वो तो हो जाएगा स्टॉप, और कौन सा प्रोसेस होगा, फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है जहां पर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, और ये एक वेस्ट प्रोसेस है जिससे नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हो गया स्टॉप, और ये प्रोसेस हो गया स्टार्ट, और जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो भी क्या हो जाएगी, लो। तो ये होता है C3 प्लांट्स के अंदर। तो अब इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि एक वेस्ट प्रोसेस है जहां एसिमिलेटरी पावर्स भी यूज हो रही है लेकिन प्लांट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इसी को ओवरकम करने के लिए कुछ प्लांट के अंदर इनका मॉडिफाइड वर्जन आया, और वो मॉडिफाइड वर्जन आया किसके फॉर्म में, C4 साइकिल और कैम साइकिल। और ये जिन ये साइकिल जिन प्लांट्स के अंदर चलेगी उनको हम बोलेंगे C4 प्लांट, जहां पर कैम चलेगी उनको बोलेंगे हम कैम प्लांट्स। उनके अंदर की जो C3 साइकिल है वो बेसिक मैकेनिज्म हर प्लांट में चलेगा, लेकिन साथ के साथ कुछ प्लांट के अंदर जैसे C4 है या कैम है, तो उनके अंदर हमें मॉडिफाइड वर्जन भी देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए C4 प्लांट्स के अंदर क्या फीचर्स आए, क्या फीचर्स इवॉल्व हुए, कैम प्लांट्स के अंदर क्या फीचर इवॉल्व हुए, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे C4 प्लांट्स की में क्या फीचर्स आए, और C4 साइकिल होती है, C4 साइकिल। अब ये जो है प्लांट्स, या हम अगर हम C4 प्लांट्स की बात करें तो मैं यहां लिख देती हूँ C4 प्लांट्स। अगर हम C4 प्लांट्स के बारे में बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन ना हो उनके अंदर, तो उनके अंदर कुछ अडेप्टेशन इवॉल्व हुए, वो अडेप्टेशन क्या थे, फर्स्ट क्रैंस एनाटमी, क्रैंस एनाटमी में क्या हुआ, उनका लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उसमें कुछ चेंजेस हो गए, और वहां पे 2 टाइप के सेल्स देखने को मिले। पहला मेसोफिल सेल्स, ये नॉर्मली हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, और दूसरे टाइप के जो सेल्स देखने को मिले वो थे बंडल शीट सेल्स। क्रैंस एनाटमी में लीफ में ये 2 टाइप के सेल्स देखने को मिले। सेकेंड अडेप्टेशन जो है वो है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब ये है कि 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिले। अब कौन कौन से क्लोरोप्लास्ट यहां पर देखने को मिले, एक था ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और एक था एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये डबल मेम्ब्रेनस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, 2 मेम्ब्रेन है, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है ग्रेना।
इस तरह से, और ग्रेना क्या है, थायलाकॉइड का स्टैक है। अब यहां पर एक ग्रेना में क्या है, एक ग्रेना में ग्रेनल नहीं है, सिर्फ स्ट्रोमा लैमेली है इस तरह से। तो ये दो फीचर्स वहां पर उनके अंदर इवॉल्व हुए सी फोर प्लांट में। पहला दो टाइप के सेल्स मिले, एक मेसोफिल सेल्स, बंडल शीट सेल्स, और दूसरा था डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और एक ग्रेनल। अब इसके पीछे रीजन क्या था ये फीचर्स को इवॉल्व करने का, अभी हमने देखा कि जो रूबिस्को है ये हाई ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन में क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन करेगा आरयूबीपी का, और क्या प्रोड्यूस करेगा, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, जिससे क्या होगा फोटोसिंथेसिस हो जाएगा स्टॉप, यही अभी हमने डिस्कस किया। और हमें ये भी पता है कि ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन से स्टेप में रिलीज होता है, लाइट रिएक्शन में, और हमें पता है लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, थायलाकॉइड्स पे होंगी। तो जितना ज्यादा लाइट रिएक्शन होगी उतना ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एकदम सेल में बढ़ने से क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा और ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे दो टाइप के सेल होने का फायदा क्या हुआ, मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल्स, ये हुआ। अब यहाँ पर जैसे हम जो C3 साइकिल अभी हमने पढ़ी, वो क्या है, एक मेन पाथवे है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में, मतलब उसी से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो अब यहाँ दो टाइप के सेल होने का बेनिफिट ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, C3 साइकिल की जो साइट थी वही चेंज कर दी। C3 साइकिल कौन सा पाथवे, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला साइट उन्होंने कर दिया चेंज, और कार्बन को पिक करने का साइट कर दिया चेंज। मतलब एक सेल के अंदर तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेंगे, और दूसरे टाइप के सेल्स में क्या करेंगे, वो उसका फिक्सेशन करेंगे या रिडक्शन करेंगे। तो जहां पे फिक्सेशन होगा रिडक्शन होगा वहीं पर क्या होगा, रूबिस्को प्रेजेंट होगा, क्योंकि C3 साइकिल का जो मेन एंजाइम है वो क्या है, रूबिस्को है। तो ये जो मेसोफिल सेल्स है यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर लाइट रिएक्शन होगी, और जो दूसरा होगा वो होगा C4 साइकिल वो साइकिल जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को पिक किया जाएगा। जैसे ही उसको पिक करेंगे वो मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे, और उसके बाद ये बंडल शीट सेल्स हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल चलेगी, मतलब यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं होगी। लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो ऑक्सीजन का जो है कॉन्सेंट्रेशन वो कैसा रहेगा, कम ही रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सीडेशन या कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ चलेगी लाइट रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा, अब पिकअप किया जाएगा। अब डायमॉर्फिक जो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, अब ये ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो है ये मिलेगा कहाँ पर, मेसोफिल सेल्स के अंदर, और जहां ये मिलेगा वहां पर क्या होगी, लाइट रिएक्शन, क्योंकि ग्रेना है, ग्रेना क्या है, थायलाकॉइड का स्टैक है, पिगमेंट्स है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, लाइट रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला टाइप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा मेसोफिल सेल्स के अंदर, और ये वाला एक ग्रेना, ये वाला मेसोफिल होगा बंडल शीट सेल में, जिसमें मैक्सिमम पार्ट होगा स्ट्रोमा का, और स्ट्रोमा में कौन सा स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, C3 साइकिल। तो अभी हम वो देखते हैं डायग्राम के थ्रू किस तरह से मैकेनिज्म हो रहा है। तो इस ये जो फीचर्स इवॉल्व हुए इससे क्या हुआ, प्लांट्स की जो प्रॉब्लम थी फोटो रेस्पिरेशन की वो हो गई सॉल्व, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ही यही थी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में रूबिस्को कार्बोक्सीलेशन की एक्टिविटी को छोड़कर क्या करने लगता है, ऑक्सीजनेशन करने लगता है। तो उन्होंने क्या किया, रूबिस्को की ही साइट चेंज कर दी, मतलब C3 साइकिल का जो साइट था वही चेंज कर दिया। वो देखते हैं अभी हम कैसे, ये टू टाइप के सेल्स हैं जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूं, फर्स्ट ये मेसोफिल सेल्स हैं और सेकंड बंडल शीट सेल्स हैं। तो ये वाले सेल्स हुए मेसोफिल सेल्स और ये वाला सेल हो गया बंडल शीट सेल्स BSC, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं BSC। अब होगा क्या, मेसोफिल सेल है जहां पर कौन सा है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीनर क्लोरोप्लास्ट, मतलब यहाँ लाइट रिएक्शन भी हो रही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को पिक भी किया जा रहा है, कैसे, स्टोमेटा है, CO2 तरह है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो MHC है यहाँ पर कार्बन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या रहेगा, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। C3 साइकिल जब हमने पढ़ा था तो वहां पे देखा था C3 प्लांट्स के अंदर के जो कार्बन एक्सेप्टर था वो क्या था, RUBP। यहाँ पर क्या है, पेप, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, ये पेप है, इसके साथ क्या होगा,
CO2 ये पिक कर लिया गया, और यहां पर जो पहला कंपाउंड बना वो था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि क्या था, 4 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन है, 4 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, C4 साइकिल। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है इसका कन्वर्जन होगा, इसका रिडक्शन होगा किसके अंदर, मैलिक एसिड के अंदर। ये रिडक्शन है, ये मैलिक एसिड जो है ये डिफ्यूज होके कहां चला जाएगा, बंडल शीट सेल्स के अंदर, और यहां पर क्या होगा, ये जो मैलिक एसिड है जब ये डिफ्यूज होके बंडल शीट सेल में आ गया तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा और इससे बनेगा पाइरूविक एसिड। ये पाइरूविक एसिड, ये स्टेप है डिकार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब यहां से क्या रिलीज होगा, CO2, वो कहां आ गया, बंडल शीट सेल्स के अंदर। इस स्टेप को हम बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये CO2 जो यहां पर बंडल शीट सेल्स में RUBP है, क्योंकि साइड चेंज हो गया C3 साइकिल का, इसके साथ कंबाइन होगा, अगेन जो नॉर्मल C3 साइकिल चलती वो चलेगी, PGA बनेगा, PGA से बनेगा ट्रायोज फॉस्फेट, जो हमने पढ़ा था फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड वो बनेगा, और यहां से फिर RUBP क्या होगा, रीजनरेट होगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। ये पाथवे हमने डिटेल में डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर। तो ये है C3 साइकिल, जिसकी साइट अब क्या हो गई है, बंडल शीट सेल, पहले क्या था, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल था, यहीं पे लाइट रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, यहीं के इसी के स्ट्रोमा में क्या हो रहा था, डार्क रिएक्शन हो रहा था, तो उसकी वजह से क्या था, जब अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। अब क्या किया, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए चला गया बंडल शीट सेल्स में, जहां पे कौन से टाइप का क्लोरोप्लास्ट है, एग्रेना, लाइट रिएक्शन नहीं है, तो यहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली हाई है, तो वो जो रुबिस्को है, रुबिस्को जो है यहां पर वो क्या कर रहा है, नॉर्मल कार्बोक्सिलेशन। तो ये C3 साइकिल चलती रहेगी, ग्लूकोज बनता रहेगा। अब यहां पे पाइरूविक एसिड वापस डिफ्यूज होके कहां चला गया, MSC में, और पाइरूविक एसिड से जो पैक था वो वापस से क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। अब यहां पर क्या है, ये रीजनरेशन, ये इससे रीजनरेट हो रहा है, और यहां पर यूज हो रही है एनर्जी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यहां पर क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो ये है, और ये कंटिन्यूअसली फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये जो है यहां पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है C4, इसलिए हमने C4 साइकिल बोला, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो C3 मैकेनिज्म है वो तो सेम है, हर प्लांट के अंदर सेम होगा, लेकिन मॉडिफाइड वर्जन है C4 साइकिल, साइट अलग हो गई। अब डिफरेंस क्या आया C4 साइकिल और C3 में, C4 प्लांट और C3 प्लांट्स के अंदर, कि C3 प्लांट्स में सिर्फ क्या होगा, C3 साइकिल होगी, और उससे क्या हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। इसको ओवरकम करने के लिए क्या होगा, कुछ चेंजेस हुए, वो चेंजेस अभी हमने डिस्कस किए, क्या क्या चेंजेस थे। तो क्या किया यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करना, उसको फिक्स करना, दोनों की साइड क्या हो गई, चेंज। तो यहाँ पर चलेगा लाइट रिएक्शन C4 साइकिल, और C3 साइकिल चलेगी बंडल शीट सेल्स में। तो इन जो प्लांट्स हैं ये, इनकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस अब इनके अंदर नहीं होगा, जो कि एक वेस्ट प्रोसेस है। अब यहाँ पर टोटल हमने जब C3 साइकिल पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर रिक्वायर्ड, 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP की रिक्वायरमेंट थी। तो ATP यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल C4 साइकिल जो है इनमें ATP की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 18 हमें पता है C3 साइकिल में होगी, क्योंकि नॉर्मली वो यहाँ पर चल रही। अब यहाँ पर क्या है, और हमें पता था कि जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए साइकिल कितने टाइम रन हुई थी, 6 टाइम रन हुई थी। अब यहाँ पर एक साइकिल में कितना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज हो रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा साइकिल चलेगा इस तरह से, जहां पर एक ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा तो यहाँ तो होगा 18 जो हमने काउंट किया था, और यहाँ कितना हो जाएगा, अगर एक साइकिल में 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, 6 से इंटू करेंगे, तो कितना हो गया, 12। तो C3 साइकिल में तो नॉर्मल कितना है, 18 ATP, और C4 के अंदर, इस साइकिल के अंदर कितना हो रहा है, टोटल 12। तो टोटल 30 ATP की रिक्वायरमेंट होती है टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि 18 तो नॉर्मली C3 में हो ही रही थी,
280 की एक साइकिल में है तो टोटल कितनी हो जाएंगी 12, तो कितना हो गया टोटल, कितना एटीपी की रिक्वायरमेंट है 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट है। तो प्लांट ने जो एक्स्ट्रा यहाँ पर मॉलिक्यूल लगे वो कितने थे 12 एटीपी, तो 12 एटीपी को के एक्सपेंस पे उसने क्या किया कि जो फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस था उससे वो बाहर आ गया। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, फोटो सिंथेटिक यील्ड क्या होगी, हाई होगी। ये था C4 प्लांट्स के बारे में या C4 साइकिल। C4 साइकिल जिन प्लांट्स में होगी वो C4 प्लांट्स हो गए। एग्जांपल C4 प्लांट्स की अगर हम बात करें, मेज है, सॉर्गम है, शुगर केन है, कुछ एग्जांपल है ये C4 प्लांट्स के अंदर जिनमें C4 साइकिल चलेगी, मेन कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करने वाली। ये तो था एडेप्टेशन फीचर्स किसके अंदर, C4 प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो कैम प्लांट है उनके अंदर क्या फीचर्स इवॉल्व हुए, उन्होंने ऐसा क्या अडेप्टेशन लिया जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सके। थैंक यू।